सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन महिला बाल विकास विभाग से नया ये सरकारी आदेश जारी हो गया है। जिस आदेश की अगर हम बात करें तो ये 28 जून को ही जारी हुआ है और ऐसे में आंगनबाड़ी बहने, सहायक का बहने और मिनी बहने, आप सबके मानदेय में वृद्धि कर दी गई है। और आइए देखते हैं यह वृद्धि कब से लागू होती है और किसको कितना पैसा वृद्धि स्वरूप दिया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार अजय कटेसरिया उप सचिव महिला बाल विकास विभाग से एक ये लेटर 28 तारीख को मानदेय वृद्धि के संबंध में जारी हो गया है। इस आदेश का बेसब्री से मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनें इंतजार कर रही थीं। उनको देखना था कि मध्य प्रदेश की सरकार उन बहनों को क्या देने वाली है। तो आइए, अब उसका सरकारी आदेश आ गया है तो जो मुख्यमंत्री ने बोला था वो यहां पर दिया गया है कि नहीं, आइए उनके इन चीजों की हम पुष्टि करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं आदेश में क्या है। क्रमांक संख्या 1665 है, 3/11/23 का लेटर है, 3/11/23 कह सकते हैं, राज्य शासन द्वारा या फिर इनका कोई आर्टिकल हो सकता है, तो जो भी है पत्रांक संख्या याद रखो, क्रमांक 1665 राज्य शासन के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं, साथ ही मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, इनकी सेवा शर्तों में संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिए जाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से वो निर्णय लिए गए हैं। पहला है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अतिरिक्त मानदेय में राज्य मद में राशि ₹3,000 प्रति माह आंगनबाड़ी सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अतिरिक्त मानदेय में राज्य मद में राशि ₹750 प्रति माह की वृद्धि की स्वीकृति 1 जुलाई 2023 से प्रदान की जाती है। मानदेय वृद्धि माह जुलाई 2023 के मानदेय जो माह अगस्त 23 में ही देय होगा उससे लागू होगी। तो आंगनबाड़ी बहनों, आप सबका जो मानदेय एमपी में बढ़ाया गया है वो पैसा अगले महीने जुलाई से लागू हो रहा है। अगले महीने जुलाई से लागू होने का मतलब ये हुआ कि जुलाई का जब आपका पैसा आएगा, जुलाई का पैसा अगस्त में आएगा, प्रथम सप्ताह में आता है, तो अब वो उस टाइम पर आपके ये बढ़े हुए पैसे भी आपको मिलने लग जाएंगे। अब ऐसे में आप देख सकते हैं, ये एक पहला पॉइंट रहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अतिरिक्त मानदेय में जो मध्य प्रदेश सरकार देती थी ₹5,500, उसमें राज्य मद में राशि ₹3,000 आंगनबाड़ी की बढ़ा दी गई, और जो सहायिका और मिनी बहने हैं उनका कितना बढ़ा, उनका बेचारी बहनों का केवल ₹750 बढ़ा है। और ये बड़े ही दुख की बात है उन मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए कि केवल ₹750 बहनों का बढ़ाया गया और आंगनबाड़ी बहनों का ₹3,000 बढ़ाया गया। जबकि आप सब जानते हैं कि जितना आंगनबाड़ी बहनों का बढ़ता है उससे थोड़ा कम मिनी का जो है रहता है और आधा उसका सहायिका बहनों का रहता है, लेकिन यहां पर बहुत बड़ा अंतर है। आंगनबाड़ी बहनों के 3,000 मिनी और सहायिका बहनों के बराबर 750 ही रुपए वृद्धि स्वरूप देखने को मिले हैं। अब ऐसे में आप देख सकते हैं, अब इस पर आपकी प्रतिक्रियाएं क्या होनी चाहिए उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी ये जुलाई से लागू है, अगस्त के मानदेय, अगस्त में जब मानदेय आएगा जुलाई का तो उसके साथ देने के लिए विभाग ने आदेशित कर दिया है। अब चलते हैं अगले इनके पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट विभाग ने लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में राशि ₹1,000 वार्षिक वृद्धि तथा आंगनबाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में राशि ₹500 वार्षिक वृद्धि राज्य मद से आगामी वर्ष से प्रदान की जाती है। तो ये पॉइंट बहुत बड़ा है और
इस पॉइंट के चलते अब आंगनबाड़ी बहनों ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में आप सबको धरनों पर नहीं उतरना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर विभाग ने क्या लिखा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में राशि 1000 रुपया और जो कि वृद्धि स्वरूप वार्षिक वृद्धि स्वरूप तथा आंगनबाड़ी सहायिका और मिनी इनके मानदेय में राशि ₹500 वार्षिक वृद्धि राज्य मद से आगामी वर्ष से प्रदान की जाती है। तो यानी शायद अब जैसे झारखंड में देखा था कि ₹500 की वृद्धि प्रति वर्ष आगामी वर्षों से लागू के लिए बोला गया था, तो शायद ऐसे ही सिस्टम एमपी में भी चले कि अब हर साल महंगाई के दौर को देखते हुए शायद ₹1000 की वृद्धियां होती दिखें आपको। लेकिन इसके अनुमान है, हो सकता है इनके शब्दों का कुछ यहां पर भरम जाल हो और उसी में वो जो है फंसाना चाहते हो। तो इस दूसरे वाले पॉइंट के बारे में अगर आप में से किसी भी भाई बहनों को कुछ भी कहना है, अपनी राय अपनी समझ बूझ के तौर पर कुछ बताना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। वहीं तीसरा पॉइंट जो लिखा गया है कि 62 वर्ष की आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्ति पर, कब 62 वर्ष की आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्ति पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एकमुश्त राशि ₹1,25,000 आंगनबाड़ी को और सहायिका और मिनी बहनों को ₹1,00,000 ये भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। एकमुश्त राशि का भुगतान 1 जुलाई 2023 के उपरांत सेवानिवृत्ति पर दे होगा। तो ये भी लिख दिया विभाग ने कि जो भी बहनें अगले महीने 1 जुलाई के बाद से अगर रिटायर होंगी, और कहां पर रिटायर होंगी, एमपी में रिटायर होंगी, तो एमपी की बहनों आप में से अगर कोई जुलाई महीने में 1 जुलाई के बाद में अगर कोई रिटायर हो रहा है तो उसको आंगनबाड़ी बहनों को कितना मिलेगा, जो है उनको मिलेगा कितना रुपया, उनको मिलेगा 1,25,000 और जो सहायिका बहने हैं उनको कितना मिलेगा, उनको मिलेगा 1,00,000, सहायिका मिनी बहनों को 1,00,000, आंगनबाड़ी को 1,25,000। ये अगले महीने 1 जुलाई के बाद से जो मध्य प्रदेश में बहनें रिटायर होंगी ये केवल उन्हीं बहनों को मिलेगा। साथ ही साथ यह आदेश 1 जुलाई से प्रभावी जो है हो गया है, अब ये यानी हो जाएगा, इसके लिए बोल दिया गया है कि 1 जुलाई से ये क्या होगा, ये प्रभावशील होगा यानी लागू हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं ये रहा एमपी में मानदेय वृद्धि का हाल, जो कि आप सबने जाना है और ये सरकारी आदेश के मुताबिक पूरा मैंने आपको बताया है। अब आप में से भाई बहनों की जो भी प्रतिक्रियाएं हो कमेंट बॉक्स में आप साझा जरूर करना। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा मोटे मोटे तौर पर, आंगनबाड़ी बहनें जो हैं हमारी एमपी की, उनका ₹3,000 राज्य सरकार का समझो बढ़ गया, जो सरकार ने बोला था वही आदेश में आया। यूपी सरकार की तरह कोई यहां पे छलावा नहीं है किसी भी तरह की, इन पैसों के लिए शर्तें यहां पर अभी तक मध्य प्रदेश शासन से इस लेटर के आधार पर देखने को नहीं मिली, वहीं आगे फ्यूचर में भी ना मिले ऐसी ही उम्मीद रखिएगा। वहीं जो हमारी आंगनबाड़ी हेल्पर बहने हैं उनका केवल बेचारी बहनों का 750 बढ़ा है, और जो आंगनबाड़ी जो हमारी मिनी बहने हैं उनका भी कितना, 750 ही बढ़ा है। बस इस बात का जो दुख है कि इनका भी थोड़ा थोड़ा और बढ़ना चाहिए था, जैसे कि सहायिका बहनों का 1500 बढ़ना चाहिए था जब आंगनबाड़ी बहनों का 3000 बढ़ा, और जब मिनी बहनों का 3000 जब उनका बढ़ा तो इनका वही 2500 के आसपास तो होना चाहिए था, ऐसे ही समथिंग होना चाहिए था आसपास, तो ज्यादा सही रहता। ₹750 केवल बढ़ाए गए मिनी और सहायिकाओं के, जो कि उन बहनों के लिए ये सही नहीं हुआ है, जिसके बारे में मिनी बहनों ने जो इसका विरोध भी किया, सुबह मैंने दिखाया भी था, रामेश्वरी मेश्राम बहन ने भी इसके लिए आवाज उठाई है, तो एमपी सरकार को इसके बारे में सोचना था। वहीं दूसरी तरफ आप अब जान चुके होंगे कि एमपी में टोटल मानदेय की स्थितियां क्या रहेंगी, तो बता दें आपको कि अभी तक एमपी में जो मिलता था वो कितना था, तो आप सब कहेंगे कि जो एमपी सरकार देती थी वो ₹5,500 देती थी, यानी मध्य प्रदेश राज्य सरकार, और इसको हम इरेज कर रहे हैं, अब सही से लिख देते हैं, तो ये ₹5,500 कौन देता था, राज्य सरकार देती थी, और ₹4,500 केंद्र सरकार स्वरूप आते थे। अब इसी में आप कितना और ऐड कर लो, इसी में ₹3,000 आंगनबाड़ी बहनों आप अपने ऐड कर लो, तो यहां पर
आपका टोटल मानदेय अपना कैलकुलेट कर लेना, और उसके अलावा लाडली का भी किसी किसी बहनों को मिलेगा, किसी को जो भी पात्र होंगी उनको मिल जाएगा, ऐसी चीजें हैं। बाकी रिटायरमेंट पर 1.25 लाख रुपए मिलेगा। तो ये कुछ चीजें जो घोषणाएं हुई हैं जो एमपी में, और इसका अमली जामा भी आपके सामने आ चुका है, यानी सरकारी आदेशों में पिरो करके वो सारी बातें यहां पर दे दी गई हैं और जो कि आप सबके सामने है और आप सबने आज इसको देखा भी है। इसके बारे में अगर किसी बहन को कुछ कहना है तो कह देना। सचिन जी हैं पन्ना से, जिन्होंने सबसे पहले आंगनबाड़ी मानदेय वृद्धि का आदेश का ये पीडीएफ ऑल इंडिया को भेजा है। इनके बाद भी हमारी बहुत सी भाई बहन हैं जो एमपी से आते हैं, उन सबने भी ये आदेश भेजा है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद ऑल इंडिया को जानकारी भेजने के लिए। वहीं अगले वीडियो में आप सबको दोस्तों फिर मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।